All right. हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं बहुत लेट हो गया हूँ आज, और पता है मेरी आंखें इतनी जल रही है ना, कोई नींद पूरी नहीं हुई। मैं 3:15 सोया हूँ, और भाई शिवाना और विशाली ने जो रात भर शोर मचाया ना, सोए तो है नहीं ये लोग, बहुत लेट सोए। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई, और उसके बाद फिर मैं आज यूजुअल टाइम से भी 15-20 मिनट लेट ही उठ के फिर अब जो भी ऑस्टिन को वॉक वगैरह कराने में ऑलरेडी इतना टाइम 9:30 तो ऑलमोस्ट यही हो गया। इतने टाइम तक तो मैं हाफ रास्ते में होता हूँ, बट ठीक है, कभी कभी तो चलता है। बिल्कुल ना, हालत नहीं, मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही ऑफिस जाने की, नींद इतनी भरी हुई आंखों में, क्या कर सकते हैं यार हम। और मतलब ऐसा लगता है कि बस यार कभी भी ना कुछ सोने का मौका मिल जाए। ऑफिस में भी मैं मौका ढूंढता रहता हूँ सोने का, थोड़ी बहुत नैप ले भी लेता हूँ, बट यार फिर ना आदत रोज की हो जाती है कि भाई रोज ही सोने का मन करता है। पता नहीं, बड़ी कंफ्यूज स्टेट रहती है जब आपकी नींद पूरी ना हो ना, तो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है आदमी। तो फिलहाल तो यही सिचुएशन है भाई कि मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, और आप लोग इस ब्लॉग को देखते रहिए। अरे यार मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आगे ना सड़क देखो, पेड़ वेड़ कुछ गिरा हुआ है। अबे यार मेरे को ना यू टर्न मारना पड़ेगा, और खामखा लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ, ऊपर से ये सिचुएशन भाई, बिल्कुल रास्ता ही नहीं है कि साइड से भी गाड़ी ले जाऊँ मैं, मेरे को यू टर्न ही मारना पड़ेगा। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, एंड मैं काफ़ी देर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लंच वगैरह करके, सिवानों को नहला के, सब काम हो चुके हैं, एंड मैंने सोचा ब्लॉग ऑन ही कर रही थी, बहुत देर हो गया ऑन नहीं किया। तो गाइज मुझे आपकी एक हेल्प की जरूरत है। सिवाना जो है अपने बहुत क्यूरियोसिटी की अर्ज पे है, ऐसा टाइम होता है बच्चों का इस टाइम, एंड उसको किसी चीज़ से रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। And the word no makes her irritate. ये वो सुनना नहीं चाहती। Obviously होता होगा toddlers के साथ, ये जो experienced mom है please मेरे साथ share कीजिए कि कैसे peacefully ये सब handle करें, क्योंकि हर बात पर बच्चों को मना नहीं किया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत dangerous होती हैं, कुछ चीज़ें घर के लिए नुकसानदायक होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम नहीं लेट गो कर सकते कि कोई बात नहीं बच्चा खेल रहा है। हम भी बहुत ही कम होता है कि हम सिवाना को कोई चीज़ करने से मना करें, नुकसान हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, उसको मना करो तो फिर देखा भी नहीं जाता। प्लस जो हाथ उठाने की एक हो रहा हमारा नहीं बच्चे का, सिवाना को ना नो सुन के ऐसे हाथ मारने जा रहा था, चाहे कोई भी हो, एंड दिस थिंग मेक्स मी इरीटेट सो मच, क्योंकि मुझे सच में ये हैबिट नहीं पसंद है ना, मैं इस हैबिट को इनक्रेज करती हूँ। तो मैं उसी टाइम उसको आके दिखाती हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग, और वो फिर दोबारा रिपीट करती है। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। क्यों भाग रहे हो? शिवाना ने ये ले लिया है ओडोमॉस स्प्रे, और ले लेके घूम रही है भाई, लगा रही है इधर उधर, स्प्रे तो कर रहा था, रही है बट टच करे जा रही है। ऑब्वियसली हनी को घर आके बैठना तो मिलता नहीं है, या तो हमारा भी प्लान बन जाता है, या तो सिवानों का प्लान होता ही है पक्का, तो उसको पता है कि इस टाइम पार्क जाएंगे, और वो पक्का बोलती है पक्का। मैंने भी टी शर्ट बदल दी है, घर के कपड़ों पजामा पहने हुए, क्योंकि ऑस्टिन का सामान ख़त्म है, और मंथ स्टार्ट होते ही हम लोग अपना सारा जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो रिकलेक्ट करते हैं, जैसे कि हर घर में होता ही होगा। तो अभी हमें ऑस्टिन का फूड, उसकी ट्रेड्स, उसकी बेसिक चीज़ें लेके आनी है, और मुझे हमारे यहाँ वेडनेसडे मार्केट लगती है, तो मुझे उससे वो सामान लेना है, प्लस मुझे 2-3 चीज़ें और लेनी है, तो वो मेरे को जाना पड़ेगा। तो हनी ने कहा था मैं पार्क में हूँ, पार्क में आ जाइए, तो मैं बस वहीं जाऊँगी। भाई शिवाना ने छीन लिया एक बच्चे की बॉल, छोटे बच्चे की, मतलब इससे तो बड़ा ही है, और भाई देने का नाम नहीं ले रही, और टनल में छुप गए जाके, और छीन ले रहे हैं ना तो रो रो के बुरा हाल कर रही है, फिर चलेगी टनल में, वहाँ से निकलेगी, और वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं। शिवाना को बिजी करने के लिए थोड़े से कलर और कलर बुक दिए, देखो मुँह पर भी लगा दिया है, पैरों पर भी लगा लिया है सारा कलर, ये देखो हाँ पूरी फूल बन चुकी है। और ये यहाँ क्यों बैठा है?
क्योंकि इसको चाहिए पिज्ज़ा। नाइस, मैं कह रहा हूँ कि ये पिज्ज़ा के लिए यहाँ बैठा हुआ है और विशाल हमारे घर आया हुआ है। विशाल ने ना ये जो बेचारे ने ना सब मंगाया था और कह रही थी बड़ा वाला मंगा रही हो, तो मुझे ये एक ही दिखा, मैंने कहा यार उन्होंने काट दिया हमारा। और सब भी आ गए हैं, दो दो और पिज्जा पिज्जा। गाइस रात की बज गई 11, विशाल यहाँ बैठा हुआ था हमारे साथ, अब जा रहा है घर और सिवाना कर रही है उल्टे काम। हाय, मैं जा रहा हूँ। सो एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे विशाली और मैं, विशाल के घर के पास ही पूजा मसाला स्टोर है कुछ मसाले वगैरह लेने के लिए, और हमारा प्लान था कि कुछ और सामान खरीदने आगे जाएंगे, बट विशाल हमारे घर पहुंच गया था और विदाउट फ़ोन, मतलब बिना फ़ोन करे, विदाउट फ़ोन नहीं मतलब बिना फ़ोन करे पहुंच गया था। और फिर हमने सोचा कि अब हम क्या ही जाएंगे, जब विशाल घर के नीचे हम डायरेक्ट घर वापस आ गए और आए तो भूख तो ऑलरेडी लग रही थी, ऑल दो विशाली ने खाना बना रखा है, बट क्योंकि हमें उस वक्त भूख लग रही थी इसलिए हमने सबवे और पिज्ज़ा मंगा लिया, और अब जब भूख लगेगी तो घर का खाना खा लेंगे, क्योंकि बैठे थे तो यार कुछ ना कुछ तो खाना ही था। और ज़रा आप लोग बताओ कितने लोगों ने दिल्ली में, देखो बाहर की स्टेट्स का तो पता नहीं, दिल्ली में आजकल ये देखा है ये रुआ इतना सारा, और रुई है एक्चुअली ये उड़ते हुए, भाई ये देख रहे हो इतने सारे हैं, ये उड़ उड़ के इतने आ चुके हैं, पूरे पार्क में ऐसे सेटल हो गए हैं आकर, किस किस ने देखा बताओ ये। और ये कुछ कुछ स्पेसिफिक सीज़न में ही होता है, अभी कुछ टाइम के लिए है फिर ये हट जाएगा, फिर नहीं आएगा ये। भाई लोगों, पेरेंट्स इस बात से सहमत होंगे कि जब आपका बच्चा यूजुअल टाइम पे नैप ना ले तो कितनी ख़तरनाक बात होती है। अब ये यूजुअली 6:30 नैप लेती है, जब मैं ऑफिस से ऑलमोस्ट आ ही जाता हूँ घर 6:30 तक, तब ये नैप ले रही होती है, बट आज इसने नैप नहीं लिया है और अब हमें डर लग रहा है कि देखो अभी हो रहे हैं 11:30, अगर अभी ये सोई तो ऑब्वियसली वो एक नैप होगी, पूरी रात तो सोएगी नहीं, और अगर अब इसने नैप ले ली तो इसके सोने का कोई हिसाब नहीं, भाई सोएगी नहीं, फिर बहुत लेट सोएगी, 5-6 बजा देगी सुबह के, तो ये अभी ख़तरनाक सी सिचुएशन है। करेंगे तो हम यही कि अगर अब इसको नींद आई तो हम लोग भी अब सब कुछ बंद करके एकदम सो जाएंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड लुक एट हर लेग्स, नॉट फीट, आई मीन लुक एट हर फीट ऑल्सो, देखो जरा इतने पूरा रंग रखा है अपने आप को। और जब भी मैं बेड के कॉर्नर में ऐसे बैठता हूँ ना, ये मेरे ऐसे पीछे आ जाती है, अभी ये पूरी चढ़ी हुई थी। हाय कर दो बच्चा, आओ सर एक बार वीडियो में आओ, नीचे में आओ, ऐसे ना पीठ पे आके मुझे कहती है कि मेरे को घुमा पीठ पे, दिया कम दिया, आओ हाथी हाथी हाथी, वाव 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 वाव। लो जी अपनी दाल मखनी आ चुकी है, तो हम ये खाएंगे आज, और शिवानु यहाँ पर खा रहा है खीरा डैडा के साथ बैठ के, और ये भी एक्टिवेट हो गया, अब ये भी पक्का खाएगा रोटी मेरे साथ। तो जब तक विशाली काम कर रही है अपना फ्लिकर का यानी अपनी कैंडल्स का, तब तक मैं शिवानु को ले आया हूँ बालकनी में, और भाई बड़ी ही भाई शाउटिंग बेटा, पूरे मोहल्ले को उठा जाओगे अभी, क्या गोदी क्या चाहिए आपको क्या चाहिए। तो एक्चुअली शिवाना को आना था गोदी, मैंने इसको गोदी ले लिया, और यहाँ से इसको एरोप्लेन्स दिख रहे हैं, तो ये वो क्या है, वो क्या है, क्या है वो, एयरप्लेन एयरप्लेन। तो जब तक विशाली काम कर लेगी हम लोग थोड़ा सा, ओ, ओ, ओ हम लोग थोड़ा सा बालकनी में चिल कर लेंगे। और तू भी आ गया, ये रहा अपना कांगया कांगया कांगया, ये रहा। और एक मेरी बच्ची को देख लो, जहाँ मैं जाऊँगा ना वहाँ आके बैठ जाएगा मेरे साथ, जहाँ भी जाऊँगा बालकनी में बैठूँ बाथरूम में बैठूँ मेरे साथ ही बैठेगा। एयरप्लेन आ गया भाई, बच्चे का एक और एयरप्लेन आ गया, बाय बाय कर रहा है देखो मेरा बेटा एयरप्लेन को, भाई जो हम बचपन में करते थे वही करता है बच्चा, एक्चुअली वही सब चीज़ें करता है आज, हम भी ऐसे बाय बाय करते थे एयरप्लेन को देख के।
उसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग यही सब सिखा रहे हैं और यही सब सिखाते हैं अपने बच्चे को जो हमने सीखा होता है। आपको ये दिख रहे हैं, ये देखो, ये ना एक्चुअली सिलिकॉन मतलब रबर टाइप है और उसको ना टेप लगा के हमने ऐसे कॉर्नर्स पे लगा दिया था क्योंकि शिवाना ना यहाँ टकराती है तो उसको चोट ना लग जाए। देखो यहाँ लगा रखा ना, यहाँ भी लगा रखा था, ये यहाँ से सारे उखाड़ चुके शिवाना। ये देखो अभी उखाड़ के इसने यहाँ फेंका है और अभी जो यहाँ लगा ना इसको भी उखाड़ने की फिराक में। देखो प्लेन आ गया फिर से, बाय बाय। गया बेटा प्लेन, गया प्लेन, नहीं लेना ये। तो गाइस मैंने इतनी सुंदर कैंडल बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंस्टाग्राम पे कल जाएगी। स्पेशल के लिए मैंने लैवेंडर फ्रेग्रेंस में ये अरोमास वाली कैंडल बनाई है जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसको दूर से ही मैं देख लूँ ना तो ही मुझे खुशबू आ रही है। इसका ढक्कन भी है, लिड जैसे कहते हैं। लविंग एयर। जो लोग मुझे देखते हैं और वो अगर जानना चाहते हैं कि आप मेरी कैंडल्स कहाँ से ख़रीद सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम, आप वहाँ पे जाके मुझे DM कर सकते हैं और दैट्स हाउ यू कैन प्लेस योर ऑर्डर। मैंने अभी कोई वेबसाइट नहीं बनाई है बट सून जब वेबसाइट भी बन जाएगी तो आप वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोनों इन सब कामों में हमें बच गया है एक और ऐसे ही हो गया दिन का एंड। आपको बता दूँ कि शिवाना ने कोई नैप नहीं लिया शाम दोपहर को उठने के बाद, तो अब वो थोड़ा ढीलापन दिखा रही है। तो व्लॉगिंग एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। सी यू टुमारो।